हमा गणिसा हमारे यहाँ ज़्यादातर तो जो सासू जी होते हैं वो लाखेनी की रस्म को करवाते हैं, पर मम्मी ने ये रस्म करवाने से मना कर दिया। और जब हमें भी पता चला, हमें भी बहुत दुख हुआ। मम्मी को लाखेनी की रस्म के दिन पता चला कि मेरे नानी सा देवलोक हो गए, तो मम्मी ने ये रस्म में पोशाक पहनने से मना कर दिया और ये रस्म भी करवाने से। फिर जीजा को ये लाखेनी रस्म करवानी पड़ी। हमारे यहाँ लखारा नहीं आती, सासू जी करवाते हैं। ऐसे टाइम पर क्या कर सकते हैं, जीजा ने करवाई ये रस्म और फिर धोख लगने वाली रस्म, ढोल टीकने वाली रस्म सब बहुत जल्दी में करवाई, क्योंकि ये शुभ का काम होता है और ये जल्दी से एक दिन में ही करके मम्मी ननियाल चले गए थे। ये रस्म जीजा जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे ही होती है हमारे इधर। आपके वहाँ भी होती है क्या रस्म? और आपको व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी वेडिंग अपडेट्स और वीडियो आने वाली है। चार चार छोड़ लारे पड़िया बन रे आते ले मार पड़िया आते से मार। अरे चार चार छोड़ लारे पड़िया बन रे आते ले मार बनी रे माते से मार। अरे हम कहने पे रो रे है सरियो बनो रसम पूरी होने के बाद सभी देवी देवताओं को धोख लगते हैं, माया को धोख लगता है, उसके बाद सूरज भगवान को धोख लगते हैं।